हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रिपेयर एंड ओपन एंड ऑक्यूपाइड बेड। ओपन एंड ऑक्यूपाइड बेड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो ऑक्यूपाइड बेड है या प्रिपेयर्ड बेड है उसको कैसे ओपन और ऑक्यूपाइड बेड है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन कि ऑक्यूपाइड और ओपन बेड क्या होता है। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ऑक्यूपाइड और ओपन, जो ओपन बेड है उसको कैसे तैयार करते हैं, ऐसा बिस्तर तैयार करना जो हॉस्पिटल में मरीज के लिए आरामदायक हो, उपयुक्त हो। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग ए बेड, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, तो प्रिपेयरिंग ए बेड, बेड तैयार करना, बिस्तर तैयार करना, दैट कंफर्टेबल एंड सुटेबल फॉर ए हॉस्पिटलाइज पेशेंट। हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट रहता है, हॉस्पिटल का जो मरीज रहता है, अस्पताल अस्पताल का जो पेशेंट है, मरीज है, उसके लिए आरामदायक हो, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। ठीक है, आरामदायक सूटेबल बेड हो, प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ बेड दैट, मतलब बिस्तर तैयार करना। ठीक है, प्रिपेयरिंग बेड दैट इज कंफर्टेबल सूटेबल फॉर ए हॉस्पिटलाइज पेशेंट, हॉस्पिटल में जो भर्ती है, एडमिट है, उस पेशेंट के लिए कैसा कंफर्टेबल और सूटेबल बेड तैयार करना, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, उसी को कहते हैं बेड प्रिपेयर करना। उसके बाद में पर्पज, इसका क्या उद्देश्य है, बेड क्यों तैयार करते हैं, बेड तैयार करते हैं, पहला पॉइंट है इसको प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट आराम देने के लिए, पेशेंट को आराम देने के लिए। ठीक है, आराम देने के लिए, टू प्रमोट रेस्ट और रेस्ट देने के लिए, पेशेंट को आराम और रेस्ट देने के लिए क्या किया जाता है, ये बेड प्रोवाइड किया जाता है, उसको आराम प्रदान करना और आराम को बढ़ावा देने के लिए, आराम प्रदान करने के लिए और आराम प्रदान करने के लिए और आराम को बढ़ावा देने के लिए इसका बेड का यूज किया जाता है। पर्पज, पहला पर्पज। दूसरा है टू मेंटेन ए क्लीन एनवायरनमेंट, साफ वातावरण। ठीक है, क्लीन वातावरण प्रोवाइड करने के लिए, साफ वातावरण प्रोवाइड करने के लिए, नीट अप्रोप्रिएट, सॉरी, नीट एप्रीहेंस टू द यूनिट, उसे साफ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और बेड दिया जाता है। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो, उनका ट्रांसमिशन कम हो, इसके लिए बेड दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का ट्रांसमिशन कम हो, इसके लिए बेड दिया जाता है। टू इकोनोमाइज टाइम, मेटेरियल एंड एफर्ट्स, टू इकोनोमाइज समय, सामग्री का प्रयास को कम करने के लिए बेड दिया जाता है। टू प्रमोट क्लीननेस, ठीक है, क्लीननेस, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके 6 नंबर,
क्लीननेस हो गया, ठीक है। ऑब्जर्व पेशेंट एंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए भी बेड दिया जाता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, ऑब्जर्व का मतलब हो गया निरीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब तो हो गया निरीक्षण, और कॉम्प्लिकेशन मतलब हो गया जटिलताएं, जटिलताओं से बचाने के लिए। टू एम्बुलेंट द पेशेंट, पेशेंट को एम्बुलेंट करने के लिए भी बेड दे सकते हैं। टू प्रोवाइड स्मूथ व्रिंकल फ्री बेड डज मिनिमाइज सोर्स ऑफ स्किन इरिटेशन, उसको बेड कैसा देना है, स्मूथ देना है, रिंकल फ्री बेड देना है जहाँ पे कोई रिंकल्स ना हो, मिनिमाइज सोर्स ऑफ स्किन इरिटेशन, इसके कारण स्किन का इरिटेशन ना हो इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, स्किन का इरिटेशन ना हो इसीलिए दिया जाता है। उसके बाद में उपकरण क्या क्या लेते हैं बेड बनाने के लिए, क्या क्या उपकरण लेने चाहिए, आर्टिकल क्या क्या लेने चाहिए, तो सबसे पहले है ए ट्रे कंटेनिंग, जिसके अंदर डस्टर दो क्या लेते हैं, डस्टर लेते हैं, दो डस्टर लेते हैं, एक बाउल बेसिन विद द डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन, एक बाउल और एक बेसिन लेते हैं जिसमें एक से रेशियो होता है 1:2 सेवलॉन का रेशियो होता है, ठीक है, एक किडनी ट्रे ले लेते हैं, एक किडनी ट्रे ले लेते हैं। उसके बाद में चेयर स्टूल कीप इन क्लीन लिनन्स, चेयर एंड स्टूल और साफ सुथरा लिनन होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, ठीक है, कुर्सी वगैरह। उसके बाद में हैम्पर्स डर्टी लिनन बास्केट, और क्या होना चाहिए, डर्टी लिनन डालने के लिए एक टोकरी वगैरह होनी चाहिए, बास्केट होना चाहिए। क्लीन बेड शीट लिनन, साफ सुथरी एक बेड शीट होनी चाहिए, ड्रॉ सीट होनी चाहिए, पिलो होना चाहिए, काउंटर प्लेन ऑप्टिमल, मैकिनटॉश होना चाहिए, लिनन बैग बकेट्स एंड सोइल लिनन्स, ये सब आर्टिकल होनी चाहिए। अब है प्रोसीजर, प्रोसीजर में नर्सिंग एक्शन पहला, ये है प्रक्रिया, प्रोसीजर का मतलब हो गया प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। नर्सिंग एक्शन क्या होगा, सबसे पहले प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे सबसे पहले, ठीक है, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, उसकी सामान्य स्थिति का आकलन करेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन टू द पेशेंट द नीड और पर्पज ऑफ मेकिंग बेड एंड हाउ ही हैज टू कोऑपरेट, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि नीड टू पर्पज द बेड मेकिंग की जरूरत क्यों है, बेड मेकिंग क्यों इतना जरूरी है और इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बेड मेकिंग का, जिससे क्या होगा पेशेंट कोऑपरेट करेगा, ठीक है। अब इसका रेशनाले पढ़ते हैं कि पहला का रेशनाले है डिटरमाइन द पेशेंट कैन बी मेड टू सिट आउट ऑफ द बेड, तो पहले देखना है कि वो बेड से साइड में बैठा है। उसके बाद में विंस द पेशेंट टू कोऑपरेट एंड कॉन्फिडेंस, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे इसलिए वो कोऑपरेट वगैरह करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है असेस वेदर देयर इज नीड टू चेंज ऑफ लिनिन एंड कलेक्ट फ्रेश लिनिन एज नीड, क्या करना है, असेस करना है कि लिनिन को चेंज करने के लिए, लिनन मतलब होता है बेड शीट बदलने के लिए, और चेंज करने के लिए और कलेक्ट फ्रेश लिनन यानी नई चादर ले लें, कलेक्ट कर लें। प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को, इंश्योर दैट ऑर्गेनाइज एप्रोप्रिएट टुवर्ड द कैरी आउट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोवाइड प्राइवेसी। उसके बाद में क्या करना है, मूव प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उसके बाद में मूव फर्नीचर अवे फ्रॉम द बेड, बेड को
फर्नीचर को बेड से दूर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में प्लेस द, क्यों करते हैं, क्योंकि वो आसानी से बेडशीट बिछा सके अच्छे से। प्लेस द ट्रे ऑन बेड साइड लॉकर, कीप हैम्पर लिनन बास्केट एंड द बेड साइड। तो क्या, फर्नीचर को बिस्तर से दूर ले लें, ये तो कर लिया आपने। उसके बाद में ट्रे को बेड साइड लॉकर पर रखें और बिस्तर के पास व्यवस्थित करने में क्या होगा, ट्रे को बिस्तर के पास में रख दें, ठीक है। ये क्या, इससे क्या होगा, जो अरेंजमेंट है उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो पहले तो इसका मतलब है प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द नर्स टू मूव। बेड के आसपास से जो चेयर वगैरह फर्नीचर पड़ा है उसको दूर कर देंगे तो नर्स को मूवमेंट के लिए अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अरेंजिंग आर्टिकल एट द बेड साइड सेव द टाइम और एनर्जी। सारे आर्टिकल वगैरह बेड के पास में रख देंगे इसलिए उसका टाइम और एनर्जी बचेगी, ठीक है, टाइम और एनर्जी बच जाएगी। उसके बाद में 7 नंबर है आपका, प्लेस स्टूल एट द फुट एंड ऑफ बेड, प्लेस फ्रेश लिनन ऑन इट, रिजर्व ऑर्डर इज यूज, ठीक है। तो बिस्तर के पायदान पर स्टूल रखे और उपयोग के विपरीत क्रम में इस पर ताजा लिनन रखे, ठीक है। जो फ्रेश लिनन लाए थे वो यहाँ पे रखे, यूज करने वाली लिनन को। कीप आर्टिकल एट कॉन्वेंस प्लेस विद रीच प्रमोट इजी टू वर्क एंड सेव टाइम। ये इसलिए रखते हैं कि टाइम बचेगा और आराम से पास में रहेगा और काम इजीली हो जाएगा, इसीलिए करते हैं। असेस पेशेंट 8 नंबर पॉइंट है कि क्या करेंगे, असेस पेशेंट टू गेट आउट ऑफ बेड इफ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड सिट कंफर्टेबली ऑन स्टूल एंड चेयर नियर द बेड। अगर पेशेंट क्या करेंगे, पेशेंट को उठाकर कुर्सी पे बिठा देंगे, स्टूल पे बिठा देंगे, अगर उसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है और बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस पेशेंट को क्या करेंगे, कुर्सी पे नियर बेड के नज़दीक एक कुर्सी लगा के उस पे बैठा देंगे, बेडशीट बिठाते टाइम, कि उसे कोई नुकसान वगैरह नहीं है, अगर उसे कोई बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेड रिडन पेशेंट है तो उसके लिए अलग से तरीका है बेडशीट बिछाने का, अगर वो उठ के बैठ सकता है तो वो आसानी से उसे बिठा के फिर बेडशीट बिछा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है लोअर हेड एंड ऑफ द बेड, कीप बेड इज फ्लैट पोजिशन एंड लोअर साइड रेल्स। साइड रेल्स को क्या करना है, नीचे करना है, बिस्तर का निचला सिरा समतल करना है और नीचे रखे रेल को, जो साइड रेल्स होती है उसको भी नीचे कर देना है, ठीक है, उसको भी नीचे कर देना है। रिमूव रिस्ट वॉच एंड वॉश हैंड, और अपने खुद के हाथ वगैरह धोने हैं और कोई घड़ी पहन रखी है वो भी रिमूव कर देना है। तो वर्किंग विथ बेड इन लोअर पोजिशन प्रमोट द गुड एंड बॉडी मैकेनिज्म। अगर लोअर पोजिशन में वर्किंग करते हैं तो वो गुड बॉडी पोजिशन होती है। कीप द बेड इज फ्लैट पोजिशन एनेबल द नर्स इज मेक टू रिंकल फ्री बेड, और बेड को एकदम फ्लैट पोजिशन में रखना है। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड फॉलर पोजिशन में ही है, बेड क्या है फॉलर पोजिशन में है ऐसा, और आप उसी में बेड बेड बिछा रहे हो, इस तरह से है उसी में बेडशीट बिछा रहे हो। तो बेड को एकदम फ्लैट कर दो, एकदम सीधा कर दो और उसके बाद में बेडशीट वगैरह बचाओ, जिसके ऊपर क्या होगा रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे, ऐसे रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे जिससे आसानी हो जाएगी। प्रिवेंट चेंज क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, अपन हाथ वगैरह धोते हैं, जो हाथ धो रहे थे वो क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्विच द फैन। फैन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे, पंखा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डस्ट, डस्ट उड़े ना इसलिए पंखा बंद कर देंगे, ठीक है, पंखे को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद में रिमूव पिलो एंड प्लेस इट ओवर सीट ऑन द चेयर एंड स्टूल विद द ओपन अवे फ्रॉम द एंट्रेंस रूम, ठीक है। पिलो हटाएंगे और प्लेस इट, उसको रख देंगे चेयर या स्टूल के ऊपर। रिमूव एनी पर्सनल आइटम ऑन बेड इनसाइड द पिलो कवर अंडर द पिलो एंड मैट्रेस इटीसी।
तो क्या करेंगे, तकिया को हटाकर कुर्सी की सीट पर रख दे और कमरे में प्रवेश द्वार से खुला सिरा छोड़ दे। ठीक है, इससे क्या होगा, रिड्यूस चेंज ऑफ अकुमुलेशन ऑफ डस्ट। डस्ट कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो उससे डस्ट जो है अंदर नहीं रहेगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी। रिमूव एनी पर्सनल आइटम, पर्सनल आइटम अगर है तकिए पर, तकिए के कवर के अंदर मौजूद किसी भी निजी सामान को हटा दे और तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे आदि। अगर किसी ने, पेशेंट क्या करते हैं कभी कभी, जो पर्सनल आइटम है वो तकिए के नीचे रख देते हैं या गद्दे के नीचे रख देते हैं, तो उन आइटम्स को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, पेशेंट को दे देना चाहिए। रिमूव एनी पर्सनल आइटम ऑन द बेड साइड इन द पिलो कवर्स टू अवॉइड लॉस ऑफ पेशेंट बिलोंगिंग, पेशेंट की बिलोंगिंग के लॉस से बचने के लिए। स्टैंड ऑन बेड, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द बेड, और बेड के साइड की ओर खड़ा होना है। उसके बाद में स्ट्रिप लिनन फ्रॉम ऑल साइड, स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड टू फुट एंड, मूव अराउंड द बेड सिस्टमेटिकली। तो क्या करना है, लिनन को एक एक करके बंडल करें और लिनन को रख दें। उसके बाद में क्या करें, सिर के सिरे से लेकर पैर के सिरे तक लिनन उतारे। उतारना कैसा है, लिनन जो बेडशीट है उसको पहले हेड की तरफ से उतारना है, हेड की तरफ से, और पैर की तरफ की उतारना है उस लिनन को। ठीक है, उस लिनन को कैसे उतारना है, स्ट्रिप लिनन फ्रॉम ऑल द साइड, इसे हेड फ्रॉम हेड साइड से, जैसे बेड का हेड है इस साइड में, ठीक है, पेशेंट ऐसे सोता है, ठीक है, पेशेंट ऐसे सोता है, ये इसका सर है और इसके पैर है, तो बेडशीट को भी इधर से निकालेंगे और इधर की तरफ निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड साइड टू फुट एंड, मूव अराउंड द बेड सिस्टमिकली। ठीक है, उसके बाद में बंडल ऑफ द लिनन वन ए टाइम एंड डिस्कार्ड इन टू द लिनन हैम्पर, दे आर नॉट बी रिफ्यूज। जो इसको बंडल बनाएंगे और उसको फिर किस में डाल देंगे, रिफ्यूज हैम्पर में डाल देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए करते हैं, मूव अराउंड द बेड, मूविंग अराउंड द बेड सिस्टमेटिकली प्रिवेंट द स्ट्रेचिंग एंड पॉसिबल मसल स्ट्रेन से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद में रिफ्यूजिंग लिनन, रिमूव ब्लैंकेट फ्रॉम द फूड एंड डस्ट फोल्ड एंड प्लेस ऑन द स्टूल। ब्लैंकेट को हटाएंगे और स्टूल पे रख देंगे। ठीक है, रिमूव टॉवल्स डस्ट एंड प्लेस नीटली इन स्टूल, और टॉवल से क्या करेंगे, डस्ट रिमूव करेंगे, तौलिया हटाएं, धूल हटाएं और स्टूल को साफ सुथरे ढंग से रखें। कीप पिलो, नहीं सॉरी, टेक पिलो होल्ड फ्री एंड डाउनवर्ड डस्ट प्लेस ऑन द स्टूल एंड पिलो केस इज डर्टी, रिमूव द डिस्कार्ड इन टू द हेम्पर्स। तो तकिए ले और सिर के नीचे और पकड़े और धूल झाड़े स्टूल पर रखे, तकिए का जो गंदा कवर है उसे हटाएं और फेंक दें और टोकरी में, सॉरी, फेंक टोकरी में डाल दें। हेम्पर्स का मतलब है टोकरी, इस टोकरी में डाल दें। ठीक है, फेंके नहीं, टोकरी में डाल दें। उसके बाद में फोल्ड टॉप सीट ऑन द बेड इटसेल्फ इनटू द फोर फोल्ड, बेड सीट को फोर फोल्ड में बिस्तर पर ही ऊपर की सीट को चार तरह से मोड़े हुए दोनों सिरों को पकड़कर फर्श, इसे क्या करें, चार हिस्सों में फोल्ड करें। ठीक है, फोर फोल्ड, होल्ड बोथ एंड सीट्स एंड टेक जेनेटली हैम्पर इन प्लेस ऑन द स्टूल, रिमूव ड्रॉ सीट डस्ट इफ फोर फोल्ड इन प्लेस द स्टूल। ठीक है, इसकी ड्रॉ सीट को भी रिमूव करना है। उसके बाद में क्लीन मैकिंटॉश विद द डैम्प डस्टर हेड इन टू द फूट एंड रोल इट टू कीप ऑन द स्टूल, इसको भी इस तरह से हटाना है, मैकिंटॉश वगैरह को। फोल्ड बॉटम सीट लेंथ वाइज हेड टू एंड फोल्ड बोथ साइड टचिंग फीट ऑन द बॉस एंड टचिंग ऑफ द फोर फोल्ड्स। ठीक है, इस तरह से उसको भी हटाना है, ड्रॉ सीट को भी। अब
अब क्या करना है, क्लीन फोल्ड वाइज हटाना है, फिर क्लीन टॉप मैट्रेस विथ ड्राई डस्टर, ड्राई डस्टर से टॉप मैट्रेस यानी बेड के टॉप हिस्से को फ्रॉम हेड टू फुट साफ करना है, ठीक है, एंड कलेक्ट टू किडनी ट्रे, और किडनी ट्रे में कलेक्ट करना है कुछ अगर कचरा वगैरह है, धूल वगैरह है तो उससे, फोल्ड मैट्रेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड क्लीन अंडर सरफेस द मैट्रेस विथ ड्राई डस्टर, फोल्ड करना है और टॉप टू बॉटम उसको क्लीन करना है मैट्रेस से और ड्राई करना है, तो इससे क्या होगा, डंपिंग डस्टिंग कॉज वाइल्ड्यू ऑन द मैट्रेस, तो गीली धूल से क्या होते हैं फुफूंद लग जाते हैं, इसलिए सूखे में ही साफ करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका फोल्ड द मैट्रेस विद द टॉप, हो गया क्लीन, क्लीन हेड एंड हाफ ऑफ द बॉडी इज कॉट विद द लैम्प डस्टर, ठीक है, लैम्प डस्टर से क्लीन करना है, सिर वाले सिरे को और आधे सिरे को गीले डस्टर से साफ करना है। नाउ फोल्ड द मैट्रेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड क्लीन द अंडर सरफेस ऑफ मैट्रेस और बॉडी कॉट फ्रॉम द मिडल फोल्ड एंड द सबसाइड अबव, रिप्लेस द डस्टर विथ कीप मैट्रेस फ्लैट, और फिर वापस मैट्रेस को फ्लैट कर देना, सीधा कर देना है और डस्टर को हटा देना है। प्लेस द बॉटम सीट एट द सेंटर ऑफ द बेड सीट, बेड बॉटम सीट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ द बेड रखना है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेड को, बेड सीट को रखना है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे रखना है बेड सीट को, नई बेड सीट को, ठीक है। उसके बाद में ओपन अप द बॉटम सीट, मेक मिडल्ड कॉर्नर फर्स्ट एट द हेड एंड और देन एट द फुट एंड और टक ऑन द साइड मूविंग फ्रॉम द हेड टू फुट, तो इसको क्या करना है, पहले हेड की तरफ से ओपन करना है, ठीक है, हेड की तरफ से ओपन करना है, फिर फुट की तरफ से ओपन करना है और उसको जो बेड शीट जो बाहर निकली हुई है उसको टक करना है, अंदर की तरफ टक करना है, दबाना है, ठीक है, इस तरह से अंदर में दबाना है। ये देखो यहाँ पे फोल्ड दिया हुआ है, इस फोल्ड को कैसे करते हैं, पहले ये बेड शीट को है ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं, फिर जो ये बचा हुआ पार्ट है उसको ऐसे टक कर देते हैं, फिर इसमें ये शेप बनेगा, ठीक है, ये शेप बन जाएगा और इस वाले पार्ट को भी अंदर टक कर देंगे, तो इसमें ये एक वी शेप का एक ये एक त्रिभुज शेप का ये एक कोण बनता है जो ये दर्शाता है कि ये सही तरह से टकिंग की हुई है, बेड शीट सही तरह से फिक्स की है। मेकिंग द मेटरल्स कॉर्नर्स एंड टकिंग प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द सीट्स, इससे टकिंग अच्छे से कर देते हैं तो वो बेड सीट स्लिप नहीं होती है इधर उधर, कीप द बेड फ्रेम और वो फ्रेम रहता है, बेड फ्रेम रहता है, टू मेंटेनिंग गुड मैकेनिज्म मैकेनिक गुड बॉडी मैकेनिज्म प्रिवेंट अंडर द स्ट्रेन एंड नर्स ऑन बैक, इस तरह से बेड को एक पोजिशन में बन जाएगा, ये पोजिशन में देखो ये बेड शीट जो है इसमें ये शेप बना हुआ है, ये यहाँ से टक की हुई है और इसमें एक ये शेप बना हुआ है, ठीक है, ये कोने पे इस तरह का शेप बनाता है, मेकिंग मेटल कॉर्नर्स, ये इसको बोलते हैं मेकिंग मेटल कॉर्नर्स। उसके बाद में स्प्रेड मैकिंटोस एंड प्लेस द ड्रॉ सीट, मैकिंटोस बिछाना है उसके ऊपर क्या बिछानी है, ड्रॉ सीट बिछानी है, टक देम टुगेदर और उन्हें एक साथ में उसको भी टक कर देना है यानी नीचे की तरफ दबा देना है, ऐसे इस तरह से बिछाएंगे पहले मैकिंटोस उसके बाद में ड्रॉ सीट बिछाएंगे और उसे भी टक कर देंगे नीचे की तरफ, टक द मिडल पोर्शन फर्स्ट, मिडल पोर्शन को फर्स्ट टक करना है, उसके बाद में हेड ऑफ द फूड एंड उस साइड को टक करना है, ठीक है, मिडल पोर्शन को पहले टक करना है। मैकिंटोस प्रिवेंट द सोइलिंग ऑफ द बॉटम सीट्स,
तो ये क्या मैकिंटोस क्या करता है, अगर बिस्तर गीला वगैरह है तो वो उससे बचाता है, बिस्तर को गीला वगैरह नहीं होने देता, इसके लिए बिछाते हैं। ड्रॉ सीट अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मैकिंटोस, मैकिंटोस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो इसीलिए मैकिंटोस के ऊपर एक ड्रॉ सीट बिछाई जाती है। ठीक है, ये ऐसा मैकिंटोस होता है और उसके ऊपर वापस ड्रॉ सीट बिछाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके, मूव टू अदर साइड ऑफ द बेड टाइट बॉटम सीट्स। ठीक है, बिस्तर को दूसरी तरफ जाए और नीचे की चादर को कस ले, नीचे की चादर को भी कस ले। टाइट ऑफ द बॉटम सीट, मेक द मैट्रेस कॉर्नर्स एट द हेड एंड फुट एंड इनफ, मेक द मैट्रेस कॉर्नर एट हेड एंड द ओनली लीव फुट एंड, जो हेड की साइड में है वो मीटर कॉर्नर बनाने हैं आपको, हेड की साइड में तो वो कॉर्नर बना देंगे और पैर की साइड में एक बार छोड़ देंगे, वहाँ पे क्या करेंगे बेड सीट जो है चादर है वो बिछाएंगे, उसके साथ में टक करते हैं। इवन द फुट ऑफ द बेड वाइल टकिंग पुल द सीट विद द बोथ हैंड्स, टक द मैकिंटोस एंड ड्रॉ सीट टुगेदर एट द बेड साइड, और दूसरी साइड से भी क्या कर देंगे मैकिंटोस वगैरह को भी टक कर देंगे। उसके बाद में प्लेस द टॉप सीट फॉर फोल्ड विद द बोट, वापस टॉप सीट बिछानी है इसके ऊपर, वापस एक और बेड सीट बिछानी है, यानी टॉप सीट को भी वापस फोर फोल्ड में खोलेंगे एट द लेवल विद द हेड एंड मैट्रेस स्प्रेड विद बेड सीट, और प्लेस ब्लैंकेट ओवर द टॉप, और उसके ऊपर क्या बिछानी है ब्लैंकेट बिछानी है। ठीक है, उसके ऊपर ब्लैंकेट बिछानी है 15 to 20 सेंटीमीटर बिलो द टॉप सीट, और उससे 15 to 20 सेंटीमीटर नीचे बिछानी है टू द मैट्रेस, कफ द टॉप एंड सीट ओवर द ब्लैंकेट। देखो इस तरह से टॉप सीट वापस बिछाई, उसके ऊपर फिर क्या हुआ ब्लैंकेट बिछाई और उसके ऊपर उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, मेक द टॉय फोल्ड टुगेदर 15 सेंटीमीटर ऑफ द बॉटम मैट्रेस, ये इसको फोल्ड कर देंगे 15 सेंटीमीटर पे, टक द टॉप सीट, और क्या करेंगे टॉप सीट को क्या कर देंगे टक कर देंगे, टक द टॉप सीट ऑन द ब्लैंकेट टुगेदर एट द फुट एंड, फुट एंड की तरफ पैर की तरफ से बेड सीट को और कंबल को ऐसे टक कर देंगे, अंदर की तरफ दबा देंगे, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे दबाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दबा देंगे। टक द टॉप सीट ब्लैंकेट टुगेदर फुट द एंड, मेक द मॉडिफाइड मैट्रेस कॉर्नर अलाउ द सीट टू हैंग फ्री, चेंज द पिलो इन केस द रिप्लेस ऑफ पिलो विद फ्री फेसिंग अवे ऑफ द एंट्रेंस, और फिर पिलो भी चेंज कर देंगे, फ्रीली फ्री एंड ऑफ पिलो अवे फ्रॉम द एंट्रेंस गिवन द अपीयरेंस प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ द डस्ट, और डस्ट से बचाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके, प्लेस द टाई टॉवल एट द हेड ऑफ द बेड, बाथ टॉवल एंड स्पंज टॉवल एंड फेस टॉवल, तौलिए को बिस्तर के सहारन पे रख देंगे, स्नान तौलिया स्पंज तौलिया या फिर चेहरे का जो तौलिया है उसको बिस्तर पर रख दे, अलाउ इजीली टू असेस द पेशेंट, वो इजीली पेशेंट को मिल सके। ठीक है, अलाउ कर सके। उसके बाद में क्लीन इनसाइड आउटसाइड लॉकर, अरेंजमेंट द पेशेंट बिलोंगिंग नीटली, प्लेस द आर्टिकल एंड वॉश एंड। ठीक है, लॉकर के अंदर बाहर साफ करें और मरीज के सामान को साफ सुथरा तरीके से व्यवस्थित रख दें। ठीक है, जो मरीज का सामान है उसको साफ सुथरे तरीके से अरेंजमेंट कर दें और रिप्लेस आर्टिकल, वापस आर्टिकल रिप्लेस करें, हैंड वॉश कर लें टू प्रमोट नीट अपेयरेंस, साफ सफाई के लिए, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन से बचने के लिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। तो इसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, असेस द पेशेंट पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर यानी TPR वगैरह चेक करना चाहिए, एनी कंफर्टेबल डिवाइस यूज द पेशेंट शुड बी रिप्लेस, अगर कोई कंफर्टेबल डिवाइस है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, पेशेंट शुड बी असेस फॉर बैक
बैक टू बेड वापस असेस करना चाहिए पेशेंट को. ऑल यूनिट ऑफ द पेशेंट मस्ट बी मेड द नीट एंड डर्टी. यूज द डस्टर मस्ट बी डिसइनफेक्टेड. डस्टर के साथ डिसइनफेक्टेड होना चाहिए, वॉश किया हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए. लिनन आर सोइल्ड विद द फिशेज यूरिन एनी अदर्स बॉडी फ्लूड सेग्रेशन सच एज लिनन इज लॉन्ड्री एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी. अगर उस पर लिनन पे कुछ फिशेज लगे हुए हैं, यूरिन लगा हुआ है, अदर फ्लूड लगा हुआ है, तो उसको BMW के अकॉर्डिंग लॉन्ड्री में देना है और सेग्रेट करके देना है. ठीक है, तो इस तरह से बेड मेकिंग की जाती है. ये एक बेड मेकिंग का प्रोसेस है पूरा. तो थैंक यू सो मच. क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. थैंक यू सो मच.